पटियाला में पहुंचे कांग्रेस पार्टी पंजाब प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता नाराज हैं, चाहे वो एमसी हैं या जिनकी जो वोट है, उन्हें मनाने का काम हम उनके घर पर जाकर करेंगे। जो जानबूझ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं। भारत जोड़ो योजना राहुल गांधी की एक मजबूत कदम है। लोगों को पता है कि लोगों की समस्या और लोगों के मुद्दे कांग्रेस पार्टी हल करवा सकती है। पटियाला से विकास कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। दूजी तीजी हरी पटियाले आए हैं, वारी वारी कैप्टन साहब का नाम ना लिया करिए, क्योंकि हुण उन्हां दा दौर खत्म हो गया। और मैनू भी चंगा नहीं लगता कि एवें उन्हां दे बारे रोजाना बयान देवां किसे गल। जिहड़ा बंदा व्यक्ति जिहड़ा दौर खत्म हो जाए, उहदी ज्यादा गल नहीं कर। सो मैनू लगता कि पटियाला कांग्रेस का गढ़ रहा सी, हमेशा पटियाला गढ़ रहा ते रहूगा। यह कोई भी व्यक्ति विशेष नाल नहीं, इत्थे राजा वड़िंग आवे चाहे कोई होर वड्डा व्यक्ति आवे, वो जाते है आते है चले जाते हैं। लेकिन जनता ये जानती है कि अगर स्थिर सरकार चाहिए है, अगर डिवेलपमेंट चाहिए है, अगर अमन और शांति पंजाब चाहिए है, अगर हर वर्ग की खुशहाली चाहिए है। अज लोग महसूस कर लग पे है कि कांग्रेस पार्टी बेहतरीन पार्टी सीगी, असी गलती कर। जनाब जो राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी इनक्वायरी कर रही, सोनिया गांधी जी नू सद्या जा रहा है, तो फिर पूरे कांग्रेसियों नू कितें सद्या जाएगा तो तद की गल है? कोई फर्क नहीं पैंदा, डट के उहदा सामना करांगे, लड़ाई लड़ांगे, दुद्ध का दुद्ध पानी का पानी, मानयोग अदालत दे विच सामने आ जाएगा। उन्ना चिकर किसे व्यक्ति नू गुनेगार नहीं मन्या जा सकता जिन्ना चिकर उन्हों अदालत गुनेगार नहीं थे। सरकार के पीछे वाले ने परिवार ने कहा जी अरे तक सानू इंसाफ नहीं मिला, जिहड़ा सी इंडिया छड़ के हुण बाहर जा रहे हैं। बेहद मैं समझदा दुखदाई घटना है। मेरा तो वह दोस्त सीगा, अजकल तो नवे हमदर्द पैदा हो गए है, नवे हमदर्द जिहड़े लोग गालां कढ़दे हुंदे सी मूसेवाला जी नू, गैंगस्टर कहिंदे हुंदे सी, जां गन कल्चर नू प्रमोट करन वाला कहिंदे सी, अज उह कहिंदे कि असीं उह चलावांगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला साढ़े वड्डे भरा बलकौर सिंह जी का, उन्होंने पिता जी का यह बयान, मैं समझदा कि इहदे नाल दिल बहुत दुखिया है। चाहिए सरकार नू ते पंजाब पुलिस कि उन्हां दी तसली होनी चाहिए। जे एक बाप दी मुंडा चला गया, तसली नहीं हजे तक सरकार करा सकी, इस तो वड्डी माड़ी गल की हो सकती है। कोशिश करांगे कि साडा भरा बलकौर सिंह जी सानू छड़ के किते ना जाण, उन्हां दियां सारे जिहड़े मसले है सरकार हल करे ते लड़ाई लड़े। ਬਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਮਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 2 ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 2 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, पर कई नाराजगी का पक्का काम होंगे, कई ने भजना होंगे, कई ने कोई बहाना बना होंगे, उन्होंने रास्ते दरवाजे भी खुले। सानू छड़ के किते ना जान, ते उन्हां दियां सारे जिहड़े मसले है सरकार हल करे ते लड़ाई लड़े। ਬਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਮਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 2 ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 2 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, पर कई नाराजगी का पक्का काम होंगे, कई ने भजना होंगे, कई ने कोई बहाना बना होंगे, उन्होंने रास्ते दरवाजे भी खुले। पर जितों तक मनाने की गल है, कितने साड़ी कोताही हुई, साथे गलती हुई, पुराने लीडरशिप तो गलती हुई, असी और घर मना जावे, क्योंकि साडा वर्कर एक वोट आला 2 वोट आला भी उन्ना इंपोर्टेंट है जिन्ना एक एमसी ते एमएलए। ਬਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, एक आखिरी क्वेश्चन है जी, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
भारत जोड़ो यात्रा नूं बहुत वड्डा हुंगारा मिल रहा है। मैं तेलंगाना दे विच जाके आया, लखां दी तादाद विच लोग राहुल गांधी नाल जुड़ रहे ने, लोग ये गल महसूस कर लग पे ने। ये वो राहुल गांधी है जिन्हों भंडी प्रचार करके कहा जाता सी भी लेजी है, उठते नहीं, लोगों नूं मिलते नहीं। अज वो व्यक्ति मगरले 54 दिनों सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे नाश्ता करके 5:30 बजे सड़क पर आ जाता है। हज़ारों की तादाद के मजदूर, कामे, व्यापारी, बुद्धिजीवी लोग मिल रहे, आदि तकलीफा दस रहे हैं। अज पूरे देश के लोग ये महसूस कर लग पे है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ताधारी सरकारां दे खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद कर सकता है बिना किसी डर तो केवल कांग्रेस पार्टी दे राहुल गांधी कर सकता है। सो मैं राहुल गांधी जी यात्रा जनवरी दे महीने साडे शंभू तो हुंदी हुई, राजपुरा तो हुंदी हुई, 11 दिन का जिहड़ा सफर है वो पंजाब दे विच तय।